पापुआ न्यू गिनी में करीब 312 जनजातियां रहती हैं। यहां रहने वाली एक जनजाति को अपने अजीब और गरीब रिवाज की वजह से जाना जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त इस जनजाति में इंसान का दिमाग खाने की प्रथा थी। ब्रिटेन और पापुआ न्यू गिनी के वैज्ञानिक फोर जनजाति के लोगों पर शोध किया गया। शोध से पता चला कि ये आदिवासी, जिनके आहार में उनके मृत रिश्तेदारों का दिमाग भी शामिल था, इन्होंने कुरु नाम की बीमारी के लिए अनुवंशिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर दी है और ये बीमारी मैड काउ डिलीज से मिलती जुलती है। इस शोध से पार्किंसंस रोग और डिमेंशिया जैसे प्रियान रोगों को नए इलाज खोजने में भी मदद मिल सकती है। फोर जनजाति में जब कोई अंतिम संस्कार होता था तो वहाँ इस तरह की दावतें होती थी, जहाँ पुरुष और अपने मृतक रिश्तेदारों का मांस खाते थे, जबकि महिलाएं उनका दिमाग। यहाँ प्रथा अपने परिजनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के तौर पर मानी जाती थी। इस जनजाति का मानना था कि अगर शरीर को दफनाया जाता है या किसी प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है तो इसे कीड़े खाते हैं। इससे बेहतर तो ये है कि शरीर को वे लोग खाएं जो मृत से प्यार करते हैं।